नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, मैं अनार का पेड़ आपको दिखा रहा हूं। इसी अनार की कोई भी जैसे टहनी से तोड़कर आगे से बारीक पेंसिल की तरह करके उससे यंत्र लिखा जाता है और इसके पुष्पों को अनार छिलके को हवन में भी बरता जाता है। दुर्गा माता के दिनों में मैं बता रहा हूँ आपको, नवरात्रों में जो उपाय देखिए आए नवरात्रों में आपको करना क्या है। अनार के पुष्प 5 नित्य लेने हैं और दुर्गा माता की प्रतिमा पर मंत्र जाप करते हुए आपको अर्पण करने हैं। इस प्रकार का पूर्ण खिला हुआ पुष्प आपको लेना है, पूर्ण खिला हुआ पुष्प लेना है, अध खिला आपको नहीं लेना। और मंत्र इस प्रकार से है, ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस प्रकार या काली काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते, या इस मंत्र से या देवी सर्वभूते सुमनोकामना पूर्ति रूपेण सस्तिताम नमस्तस्य 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 नमो नमः, या इस मंत्र से मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंत्र से आप इस पुष्पों को अर्पण कर सकते हैं। दुर्गा माता के अनेक मंत्र हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा से विश्वास से इस प्रकार जाप कीजिए और पुष्प खिले हुए अर्पण कीजिए। 5 लेने हैं नित्य, 9 नवरात्रों में 5 आपको लेने हैं। अगर 5 नित्य ना मिले तो 1 और 4 अनार भी ले सकते हैं, यानी कि जितने पुष्प कम रह जाएं तो उसके बदले में अनार के फल ले सकते हैं। ये कार्य आप करें, आपकी विवाह की मनोकामना है, कुछ भी खरीदने की मनोकामना है, विवाह की मनोकामना है, प्रेम विवाह की मनोकामना है, साधन जुटाने की, घर मकान बनाने की, कोई भी मनोकामना आपकी बिना कहे बिना बाधा से बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इस बात को अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों को भी भाई बंधुओं को बताएं ताकि आपकी वजह से दूसरों को लाभ हो, भला करने से भला होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कुछ भी पूछना कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलिए। साथ में लगी बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको अनेक उपाय की वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। दोस्तों आपका धन्यवाद, जय माता दी।